वो आध्यात्मिक भाव हम लोगों के अंदर कैसे आए, मुझे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई एक कहानी जो उन्हें प्रज्ञा पुराण के अंदर लिखी है मुझको याद आती है। कहानी बड़ी प्यारी है। कहानी एक चित्रकार की है कि एक चित्रकार को उस राज्य के राजा ने बुलाया और उससे कहा कि आप एक ऐसा चित्र बनाओ जिसको देख करके मनुष्य के जीवन के विषय में व्यक्ति जान सके। उसने मनुष्यों के चित्र बनाए थे पर मनुष्य के जीवन पर कैसे चित्र बनाए। बहुत दिनों तक वो सोचता रहा। सोचने के बाद आखिरकार उसने एक चित्र बनाया और चित्र बड़ा अजीब सा बनाया। एक प्राणी का था, वो प्राणी देखने में तो इंसानों जैसा लगता था पर उसके मुंह पर बाल थे। बाल को आप हटाओ तो आप उसका चेहरा देख सकते थे और उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। ऐसा चित्र उसने बना करके राजा को उपहार में दिया। राजा ने कहा कि अरे तो बड़ा विचित्र सा चित्र है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का मर्म क्या है। उसने कहा कि महाराज ये चित्र मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसके माध्यम से आप मनुष्य के जीवन का अर्थ निकाल सकते हैं। बोले मनुष्य का जीवन जो है वो व्यक्ति को एक अवसर की तरह से मिलता है और इस अवसर को सौभाग्य में वो बदल पाता है जो समय की कीमत को पहचानता है, चेहरे पर पड़े बालों को हटा करके देख पाता है, और जो नहीं देख पाता उसके लिए जो मनुष्य जीवन का अवसर है वो पैरों में पंख लगाए हुए है तुरंत उड़ करके चला जाता है। आदमी को पता भी नहीं चलता और कब भगवान जो है चेकआउट का नोटिस भेज देता है, हमें तो महसूस भी नहीं होता और अंतिम घड़ी आ जाती। तो चित्रकार जो बोला ये जो मनुष्य का जीवन है वो इस चित्र की तरह से है। और दोस्तों हम लोगों को ये जो मनुष्य का जीवन है वो उसी चित्रकार के चित्र की तरह से मिला हुआ है। एक अवसर के रूप में हम लोगों को मिला है, एक ऐसे अवसर के रूप में मिला है जहाँ से अनंत प्रकाश की और अतुलनीय सौभाग्य की यात्रा शुरू होती है। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य, कि भगवान का प्रकाश इतना है कि यदि सहस्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं तो वो मिलकर के भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। और अब आप कल्पना करके देखिए दोस्तों कि जो सहस्रों सूर्यों का प्रकाश है और उस प्रकाश का स्रोत जो परमात्मा है उसके एक अंश के रूप में हम लोग धरती पर आए, कितनी संभावनाएं हम लोगों के पास, हम लोगों के पास कितनी विभूतियों की, कितनी संपदाओं की, कितनी शक्तियों की, कितनी सामर्थ्य की, कितनी बल की, ये संभावनाएं हम लोग अपने साथ लेकर के आए। यदि मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य मात्र किलकाली मारने से लेकर के और चिता पर जलने तक यहीं तक सीमित मान करके बैठ जाए तो वो जो परमात्मा को पाने की यात्रा है वो पार्श्विक उद्देश्यों को पूरी करने की यात्रा बन जाती है। पेट भरने, परिवार को बड़ा करने, इसके अतिरिक्त भी हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है ये आदमी जान ही नहीं पाता। जलने, कुढ़ने, तड़पने, चिढ़ने, इसी में जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। और दोस्तों महसूस भी व्यक्ति नहीं कर पाता कि इस मनुष्य के जीवन के पीछे का मूल उद्देश्य क्या था। यदि हम अपने आप को नहीं जान पाए तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। हम जब पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, और यदि हम उस योग को उपलब्ध हो जाते हैं तो होता क्या है, तो आदमी की अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठा हो जाती है, हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं और आदमी के जीवन की सारी यात्रा अपने मूल स्वरूप के अतिरिक्त सब कुछ को प्राप्त करने की है अपने आप को छोड़ करके। यदि हम अपने आप को जान जाएं दोस्तों तो व्यक्ति की अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। जो अध्यात्म है वस्तु स्थिति में और कुछ नहीं है, अपने आप को समग्र रूप से जानने का नाम है। आदमी सब कुछ जानने का प्रयत्न करता है, यहाँ से 300 प्रकाश वर्ष दूर जो ग्रह है वो कितनी स्पीड पर घूम रहा है, इसको जानने में कई लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। यदि हम उसको जान भी गए पर हमें ये नहीं पता कि अगले क्षण हमारे मन में विचार कौन सा आने वाला है तो जो जाना वो व्यर्थ है। वो कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक नौकाकार जो है नाविक लेकर के चला और उस नाव के अंदर एक वैज्ञानिक आकर के बैठ गए। वैज्ञानिक बोले नाविक से कि भैया तुम फिजिक्स पढ़े हो क्या? बोले साहब पढ़ी तो नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना। बोले तुम्हारा चौथाई जीवन बर्बाद चला गया। थोड़ा आगे चले, बोले तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है क्या? बोले साहब पढ़ी तो नहीं। बोले भैया तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद चला गया। थोड़ा आगे चले, बोले मैथमेटिक्स पढ़ा है क्या?
बोले साहब नाम भी नहीं सुना, हम तो लिख भी नहीं पाएंगे। बोला तुम्हारा तो 3/4 जीवन बर्बाद चला गया। थोड़ा नाव आगे को बढ़ी, भंवर में घूमने लगी, इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने मुड़ करके वैज्ञानिक से पूछा, भाई तैरना आता है आपको? बोले नहीं। बोले आपका पूरा जीवन बर्बाद चला गया, मैं तो निकल जाऊंगा। बोले मुझे तो तैरना आता है पर आपका तो पूरा बर्बाद चला गया। वैसे ही दोस्तों, आदमी सब कुछ जान गया पर यदि अपने को न जान पाए तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। और अपने को जान लेने का नाम ही अध्यात्म है। अब इस बात को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने को जानते हैं, जबकि सच बात यह है कि आदमी जो अपने विषय में जानता है वो तो पब्लिक ओपिनियन है। औरों ने जो बता दिया वो हमारी हमारे विषय में मान्यता बन जाती है। और यदि कहने लगे कि साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हमें लगने लगता है कि हम अच्छे हैं, और कहेंगे कि साहब आप बहुत बुरे व्यक्ति हैं तो आदमी को लगने लग जाता है कि आप बहुत बुरे हैं। आप लोग एक प्रयोग करके देखिए कि आप 20 लोगों को तय करिए, ऐसे 20 लोगों को तय करिए जो अभी इस सभागार के अंदर नहीं बैठे हैं, और उनसे कहिए कि साहब एक ही काम करिए, जैसे ही वो आपका दोस्त यहाँ से निकले, जिस दोस्त को आप मूर्ख बनाना चाहते हैं, वो 20 लोग मिलकर के उस व्यक्ति से कहें कि भैया तबीयत खराब है तुम्हारी आज? बोले बड़ा बुखार बुखार से लग रहा है, जरा छू करके देखें, अरे गर्दन में बुखार सा आ गया, क्या बात है, बड़े कमजोर से लग रहे हो। और जैसे ही 20वां व्यक्ति कहेगा उस आदमी को बुखार आने लग जाएगा। आदमी के ऊपर दूसरों की मान्यताओं का इतना प्रभाव पड़ता है कि दूसरे बोलते हैं हम वैसा महसूस करने लग जाते हैं। आदमी यदि बाहर को जाए और सड़क चलते लोग उससे जो बोलते हैं, आदमी की मान्यताएं उसी के अनुरूप बनने लग जाती हैं। और इंसान को छोड़ दीजिए, छोटे व्यक्ति को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोगों के ऊपर असर पड़ने लग जाता है। 2 साल पहले एक प्रयोग करके देखा अमेरिका में लोगों ने, और मनोविज्ञान का प्रयोग था। उन्होंने बड़े बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स को बुलाया, ऐसे लोगों को बुलाया जो सैमसंग के बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालते थे, गूगल के संभालते थे, अल्फाबेट के संभालते थे, और उन लोगों को बुला करके एक बड़ा सा कक्ष, जैसे बड़ा सा कक्ष है यहाँ पर, बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनको एक बगल के रूम में बैठाया, जैसे बगल का रूम है, और उस बगल के रूम में कहा कि साहब आपको अभी जा करके मंच पर उद्बोधन देना है और लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक आप यहाँ वेट कर लीजिए। वो वहाँ पर वेट करने लगे। जिस कक्ष में वो वेट कर रहे थे उस कक्ष में 8 या 9 लोग एक्टिंग कर रहे थे। उनको नहीं पता था पर वो लोग 8 या 9 लोग एक्टिंग कर रहे थे, और जो लोग एक्टिंग कर रहे थे उसमें से कोई जो है ये वैक्यूम क्लीनर चला रहा था, कोई बिजली की फिटिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। पर वो लोगों को एक ट्रेनिंग दी गई थी, घंटी बजेगी तो जैसी घंटी बजेगी वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, चाहे काम कुछ भी कर रहे हो। एक ही एक्टिंग उन लोगों को करनी थी, घंटी बजेगी तो खड़ा हो जाना, और घंटी कभी भी बज सकती। और आप लोगों को आश्चर्य होगा दोस्तों कि वो लोग जो गूगल संभालते थे, सैमसंग संभालते थे, सोनी संभालते थे, अल्फाबेट संभालते थे, मैक्सिमम एक व्यक्ति जो विरोध कर पाया वो 8 बार तक कर पाया। 8 बार के बाद वो भी खड़ा होने लग गया, बिना ये पूछे कि खड़ा क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि सब खड़े हो रहे थे तो वो भी खड़ा होने लग गया। आदमी को महसूस भी नहीं हो पाता दोस्तों हम लोग कब भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो हमारी भी मान्यता वही बन जाती है जो बाकी के लोग कर रहे हैं। हम लोग जिसको अपने विषय में अपनी मान्यता कहते हैं वो पब्लिक ओपिनियन है, और इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इस भीड़ भरे समाज के अंदर व्यक्ति को अपने लिए समय निकालने की आवश्यकता है। पहली बात कि हम लोग अपने आप को जानें, और अपने आप को जानने का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसका अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण हो। यदि हमारा हमारे व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण होगा तो हमारे मन में एक भी विचार ऐसा नहीं आएगा जिसको कि हम नहीं आने देना चाहते पर आ गया। पर ऐसा होता कहाँ है, आदमी को पता भी नहीं चलता और मन में कभी कोई विचार आ जाता है। आदमी सड़क पर निकला और पड़ोसी ने नई गाड़ी ली और अभी विचार आ गया कि साहब हमारी गाड़ी पुरानी हो गई। आदमी को महसूस भी नहीं हो पाता और सामने वाले ने बड़ा घर बनाया और हमारा घर छोटा हो जाता है। सामने वाले ने नया फ़ोन लिया और हमारा घर जो हमारा फ़ोन जो है वो किसी मतलब का नहीं रह जाता। कहीं से कोई एक विचार आता है और हमारे व्यक्तित्व को आंदोलित करके चला जाता है और हमें महसूस भी नहीं हो पाता कि ऐसा कब घट गया। सही बात तो ये है दोस्तों कि मन जो है हम लोगों का वो एक उपकरण था, इंद्रिय था, पर हम उसको मालिक की जिम्मेवारी देकर के बैठ गए, इसलिए सारी तकलीफें। जो किराएदार के रूप में आया था यदि हम उसे मकान मालिक बना दें और फिर शिकायत करें कि साहब वो घर खाली नहीं कर रहा है, तो इसमें कसूर और किसी का नहीं है। कसूर इस बात का है कि मन मात्र एक इंद्रिय था पर हम उसे पूरी जिम्मेवारी दे करके बैठे हैं, और इसलिए मन जो है वो आदमी को इधर उधर घुमाता है, इधर उधर नचाता है।
आचार्य शंकर की कथा आती है कि आचार्य शंकर जा रहे थे और एक किसान जो है वो भैंस को लेकर के जा रहा था। आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों से पूछा कि भैंस किसान को ले जा रही है कि किसान भैंस को ले जा रहा है। उन्होंने कहा साहब कैसा सवाल है, किसान ही भैंस को ले जा रहा है। आचार्य शंकर आगे बढ़े और उन्होंने रस्सी खोल दी और भैंस भागी। भैंस भागी तो पीछे पीछे किसान भागा। बोले कि आप भैंस किसान को ले जा रही है कि किसान भैंस को ले जा रहा है। वैसे ही मन हमारा है, मन हमारी इंद्रिय है, पर पूरे व्यक्तित्व को मन खींच करके ले जाता है, पता भी नहीं चलता और आदमी कहीं जा करके खड़ा हो जाता है। आदमी को डायबिटीज़ है, उसको पता है कि खाना नहीं है, पर उसके बावजूद जैसे ही मिठाई की दुकान के सामने से निकलते हैं तो मन ले जाके खड़ा कर देता है। अब मन ने खड़ा कर दिया तो आदमी के मन में लालच आने लगेगा, लालच आने लगेगा तो मन खाएगा कि चलो एक और खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि मन के ऊपर व्यक्ति का पूरा स्वामित्व नहीं, आधिपत्य नहीं। मन अपनी मर्जी से चलता है और बाकी का व्यक्तित्व अपनी मर्जी से चलता है। मन कुछ और कराता है और व्यक्ति करना कुछ और चाहता है। इसलिए घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनको कि हम नहीं घटाना चाहते, पर हमारे कहने के बावजूद, हमारे सोचने के बावजूद हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसको कि हम नहीं करना चाहते थे। एक तकलीफ तो अंदर है कि मन, जिसको हमको एक इंद्रिय की तरह से उपयोग करना था, एक उपकरण की तरह से इस्तेमाल करना था, एक टूल की तरह से यूज़ करना था, उसको हम अपने पूरे व्यक्तित्व की और पूरे अस्तित्व की चाबी दे करके बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आवश्यकता यह है कि व्यक्ति अपने नित्य प्रति के दिन में से 10 मिनट अपने लिए निकाले, चिंतन के लिए निकाले और मनन के लिए निकाले। सुबह का समय हर व्यक्ति जो अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हों तो इस आशय के साथ अपना मूल्यांकन करें कि आज के दिन को हम लोग जीना कैसे चाहते हैं। एक अपने दिन की रणनीति, एक अपने दिन की रूपरेखा बिस्तर से नीचे कदम रखने से पहले व्यक्ति की तय होनी चाहिए। और शाम को जो हमने तय किया था उसकी समीक्षा हमें करने की आवश्यकता है कि जो हमने तय किया था उस पर हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। यदि व्यक्ति इतने से सिद्धांत को लेकर के शुरुआत करता है तो मन पर धीरे धीरे व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित होने लग जाता है। एक सूत्र जो हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं वो ये लेकर के जाएं कि मन के ऊपर हम लोगों का आधिपत्य कैसे आ सकता है। मन जो सोचवा रहा है वो हम सोचें वो नहीं, बल्कि जो हम चाह रहे हैं वो मन सोचे, तो आदमी के मन के ऊपर स्वामित्व आता है। वो आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव है कि आदमी अपने अस्तित्व के ऊपर अपने अधिकार को स्थापित करता है। एक दिक्कत तो अंदर है कि हमने मन को चाबी दे दी है, और दो दिक्कतें बाहर हैं दोस्तों। दो दिक्कतें बाहर हैं कि एक तो आदमी की जीवन की जो यात्रा है वो सिर्फ संपदा को पाने की यात्रा बन गई, और उस दौड़ में व्यक्ति को मिलता कुछ नहीं। आदमी भटकता है, थकता है और थक करके एक दिन हार करके बैठ जाता है। प्राप्त कुछ हुआ नहीं, पर आदमी भगा निरंतर जा रहा है। आप देखो कि हम लोग छोटे से थे, तब से लेकर आज तक हम बड़े हो गए हैं, तो समाज ने हमें सिखाया क्या है? समाज ने हमें एक सूत्र सिखाया है कि समाज प्रगति का अर्थ प्रतिद्वंदिता से लेता है। मेरे पास घर है इतना काफ़ी नहीं है, पर औरों की तुलना में बड़ा है कि नहीं? और घर है तो किस जगह पर है? घर है तो शाहदरा में है कि ग्रेटर कैलाश में है? और ग्रेटर कैलाश में है तो कितनी मंजिल का है? 2 मंजिल का है कि 3 मंजिल का है? और वहाँ पर है तो उसमें मटेरियल कौन सा लगाया है? आपकी जॉब कहाँ की है? आपका पैकेज कहाँ का है? आपके जूते कहाँ के हैं? आपकी टाई कहाँ की है? आप कौन सी क्लास में सफ़र करते हैं? और आदमी को महसूस भी नहीं होता कि वो इस रेस का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि हर कोई भाग रहा है तो हम भी भागने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता और हम उस रेस का हिस्सा हो गए। कहीं पर गोर्की ने एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। गोर्की ने कहानी लिखी है किसान के बारे में कि उसने पढ़ा कि साइबेरिया में जो जमीन है वो मुफ्त में दे रहे हैं। तो उसने कहा कि साहब हम भी जाकर के देखें कि मुफ्त में कैसे दे रहे हैं। गया वो वहाँ पर, उसने गांव के प्रधान से पूछा कि साहब आप जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बोले बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। बोले उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, आप 4 झंडियाँ लेकर के भागना, जितना उत्तर में पहुंच गए जाकर के पहली गाड़ देना, पूरब में जाना दूसरी गाड़ देना, पश्चिम में जाना तीसरी गाड़ देना। बोले दक्षिण में हम लोग खड़े, जितना आपने ले लिया वो सारा का सारा आपका है। उसने कहा बस? बोले हाँ। बोले और कुछ नहीं? बोले नहीं। फिर बोले कोई जीता क्यों नहीं आज तक? बोले कल दौड़ो तो पता चलेगा, सुबह दौड़ो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, भागना शुरू करा, और जितना भागा उतना लालच बढ़ा। उसको लगा कि अरे सारी की सारी जमीन तो मेरी है, ये सारी की सारी मेरी है। तो उसने कहा कि अरे एक ही दिन भागना है तो मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ? उसने अपना खाना फेंका। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंका। कपड़े पहन के क्यों भाग रहा हूँ? कपड़े उतारे। उसने कहा ज़्यादा दूर तक पहुँच जाऊँगा।
2 बजे होश आया, 2 बजे उसने पहली झंडी गाड़ी, फिर पूरब गया, फिर पश्चिम गया, दक्षिण को चला। दक्षिण को जब चला तो गोरकी ने लिखा है कि सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बर्फ में बिना कपड़ों के भागे जा रहा था, प्राण जा रहे थे, ऊर्जा रही नहीं थी। बोले उधर सूरज डूबा और इधर ये जो किसान था ये एकदम जो फिनिश लाइन थी अंतिम रेखा उससे 6 फीट पहले जा करके बेहोश हो गया। होश आया तो देखा सारा गांव खड़ा है और ताली बजा रहा है। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी के लोग तो इतने लालच में पड़े कि आज तक लौट के नहीं आए, वो झंडियाँ ही गाड़ रहे हैं। बोले तुम तो बहुत दूर आ गए। उसने पूछा कि जो जमीन बच गई है इसका आप करोगे क्या? उसे लगा कि शायद मुफ्त में दे देंगे, मैं इतनी दूर तक आ गया। गांव का प्रधान बोला कि आपके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप मर जाओगे तो यहाँ पर आपकी कब्र खोदेंगे, इतनी आप साथ लेके जाते हो। भागता बहुत है आदमी दोस्तों, पर दुनिया की सारी दौड़ें चिता पर आकर के समाप्त हो जाती हैं, पर बाहर की दौड़ आदमी को अपने अंदर उतरने से मना कर देती है। ये सारी बातें मैं कह इसलिए रहा हूँ कि आदमी बाहर की दौड़ में उसको भूल जाता है जो मूल्यवान है। बाहर की जो संपदा की दौड़ है वो व्यक्ति को संस्कारों से जोड़ने से मना कर देती है। आदमी अपने अंदर गहरा उतर सके, अपने आप को जान सके, अपने अस्तित्व के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सके, हमारे मन के अंदर एक भी विचार ऐसा ना आए, हमारे मन के अंदर एक भी तरंग ऐसी ना उठे जिसको कि हम नहीं उठने देना चाहते, तो आदमी की आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव संपन्न हो पाता है। स्वामी रामतीर्थ जब पहली बार गए, स्वामी विवेकानंद ने ही उनको प्रेरित भी किया था, जब पहली बार अमेरिका गए तो रूजवेल्ट मिलने के लिए आए, उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और स्वामी रामतीर्थ अपने नाम के आगे लिखा करते थे कि सम्राट रामतीर्थ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सम्राट हैं, हमने तो आज तक जितने भी राजा महाराजा देखे हैं वो सोने के मुकुट और बड़े बड़े एक्स्ट्रा वेगेंट कपड़े पहनकर आते हैं। बोले इन्हें तो कपड़े भी नहीं पहने, कोपीन पहन करके बैठे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के राजा हैं साहब? रामतीर्थ बोले मैं अपना राजा हूँ। बोले क्या मतलब? बोले आपका आपके ऊपर आधिपत्य है क्या? रूजवेल्ट से उन्होंने पूछा। रूजवेल्ट ने कहा कि मैं समझा नहीं। बोले आपके मन में क्या वही विचार आते हैं जिनको कि आप आने देना चाहते हैं, कुछ भी आ जाता है? रूजवेल्ट बोला कुछ भी आ जाता है, चाहता तो कुछ और हूँ पर आता कुछ और है। रामतीर्थ बोले मेरे मन में एक भी विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता। बोले मैं अपना राजा हूँ। और रामतीर्थ बोले कि जो अपना राजा बन जाता है वो पूरी दुनिया का राजा बन जाता है। आप पूरी दुनिया के राजा बन गए पर अपने मन पर आधिपत्य नहीं है तो आप कंगाली रह जाते हैं दोस्तों। और आदमी यदि कुछ नहीं मिला है पर उसका अपने मन पर आधिपत्य है तो फिर वो अमीर हो जाता है, तो फिर वो तैलंग स्वामी हो जाता है, तो फिर वो गुरुदेव हो जाता है, तो फिर वो विवेकानंद हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा का जो पहला और आधारभूत सूत्र है वो यही कि आदमी का अपने मन के ऊपर संपूर्ण आधिपत्य आए। और ये आने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला काम तो ये करना होगा दोस्तों कि आदमी अपने आप से झूठ बोलना बंद करे। आदमी अपने आप से झूठ बोलने की इस दौड़ में हम बाहर बोल देते हैं कोई बात नहीं, पर हम अपने आप से भी बोल देते हैं। जब आदमी जो है सही और गलत का भेद भूल जाता है, अच्छे और बुरे का भेद भूल जाता है, तो फिर आदमी की ज़िंदगी में पतन की शुरुआत हो जाती है। जो आज बुरा है वो कल अच्छा बन जाएगा यदि हम बुरे को बुरे की तरह स्वीकारने को तैयार हों। इसलिए गुरुदेव ने जो एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया वो ये सूत्र दिया कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपनी आत्म समीक्षा के लिए समय निकाले। गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी निष्पक्ष आत्म समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो मैं एक जो महत्वपूर्ण चिंतन दूंगा दोस्तों वो ये लेकर के जाने को कहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी नित्य प्रति की दिनचर्या में से एक समय अपनी निष्पक्ष आत्म समीक्षा के लिए निकाले। तीनों बातें जो गुरुदेव ने कही हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब यह है कि जब आदमी अपनी समीक्षा करता है तो या तो गलतियाँ ही गलतियाँ ढूंढता है या फिर अपनी तारीफें ही तारीफें ढूंढता है। गुरुदेव ने कहा निष्पक्ष, कुछ गुण होंगे हमारे अंदर, कुछ दोष होंगे। जब हम अपनी खुदाई करेंगे तो हो सकता है कि कंकाल मिले, हो सकता है कि खजाना मिल जाए। जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के आएँ जो बहुत अद्भुत हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के आएँ जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा कि जब हम उनका मूल्यांकन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे व्यक्तित्व के अंदर कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जिनको हटाने की, जिनका परिमार्जन करने की आवश्यकता है, और उसी का नाम आत्मसुधार है।
जो दोष गलती से आ गए हैं, जिनको वहाँ नहीं होने की आवश्यकता है पर उनको हटाना है, उसका नाम आत्म सुधार है। और हमें लगेगा कि कुछ गुण ऐसे होने चाहिए थे जिनको अपने व्यक्तित्व के अंदर समाविष्ट करने की आवश्यकता है, तो उनको लाने का नाम आत्मविकास, आत्मनिर्माण है। इन दोनों चीज़ों को यदि हम लोग साथ लेकर के जाते हैं तो फिर इस आध्यात्मिक यात्रा का जो पहला पड़ाव मैंने बोला, अपने अस्तित्व के ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर स्वामित्व को स्थापित करना, उसका पहला चरण पूरा होता है। उसका पहला चरण है अपनी निष्पक्ष आत्म समीक्षा, ताकि हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो भी है वो हमारी दृष्टि से ओझल न रहे, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, और वो सारा का सारा हमारी दृष्टि के सामने होना चाहिए।